गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। सीबीएसई क्लास 10 12th के जो रिजल्ट हैं, या कह लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मुसीबतें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। बहुत सारे इश्यूज नए निकल करके आ गए हैं गाइज, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए, चाहे आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड यस प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जितना सही इन्फॉर्मेशन सबके पास रहे वो शायद सबके लिए बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। गाइज यहाँ पे एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है रिजल्ट पर। मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स परेशान हैं ऑलरेडी कि भाई रिजल्ट कितना जल्दी निकले। अक्सर मेरे पास खुद मैसेज आते हैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के, सीबीएसई के 12th वाले स्टूडेंट्स के, कि सर कंफर्म डेट क्या है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। 12th वालों की परेशानियां बहुत अलग अलग हैं। रिजल्ट पे बखेड़ा मचा पड़ा हुआ है, और अब एक नया रिजल्ट पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। वो है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेशन को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन डाल दिया गया है, और उसकी हियरिंग आज है। आपने सही सुना गाइज, आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो सीबीएसई का जो मार्किंग क्राइटेरिया है ना, मार्किंग स्कीम जिसमें मार्क कैलकुलेशन जो किया जा रहा है, उसको लेकर के एक पेटिशन डाल दिया गया है, और आज उसकी हियरिंग है। मैं आपको बता दूं गाइज, पहले इसकी हियरिंग थी ऑन 28 अगस्त, ये तय हुआ था, ठीक है। लेकिन एक एनजीओ है जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, उन्होंने इस बात के लिए एक आवेदन दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई जल्दी सुनवाई की जाए, अगर देर से सुनवाई होगी तो रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा अपलोड होकर के, फिर हो सकता है रिजल्ट भी निकल जाए, तो फिर इस पिटीशन का कोई मायने नहीं रह जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को कंसिडर करते हुए जल्द सुनवाई करने के लिए इसको आज का डेट, यानी कि 9 जुलाई का डेट दे दिया गया है, और आज इसकी सुनवाई होगी। और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस डी एन पटेल एंड जस्टिस ज्योति सिंह वो इसकी हियरिंग करेंगे। गाइज मतलब कि बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये मार्किंग स्कीम में बखेड़ा खड़ा कहां से हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि मार्किंग स्कीम में जो मार्क्स जो आपके आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे क्लास 10th का जो मार्क्स है, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ऐड करके 100% कंप्लीट करके मार्क्स दिया जा रहा था। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, एक क्राइटेरिया था, वो था आपका रेफरेंस ईयर। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE? और क्या आप भी अपनी तैयारियों को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं? अगर हाँ, तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए और आपकी तैयारियों को बूस्ट करने के लिए Unacademy हैज़ लॉन्च्ड BITSAT क्रैश कोर्स फॉर 2021। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स विल हेल्प यू प्रिपेयर एंड कंप्लीट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। सो ज्वाइन नाउ और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल KR को। और साथ ही अब तो आपको IIT JEE जुलाई जंबो ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन को लेने पर आपको हैवी डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर उसमें मिलेगा 31st अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन। साथ ही अगर आप मेरा रेफरल कोड विशाल KR को भी यूज अगर करते हैं, तो आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी तुरंत। सो गाइज, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द ऑफर नाउ। और साथ ही इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, Unacademy Combat इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी Sundays एट 11 AM। यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मतलब स्कूल्स को रेफरेंस ईयर को ध्यान में रखना पड़ता है, ये पड़ेगा, मतलब इस बार के न्यू जो मार्किंग स्कीम जो एक्सपर्ट्स कमेटी ने दिया है क्लास 10 12 के लिए, तो उसमें एक रेफरेंस ईयर दिया गया है कि स्कूल्स कहीं कुछ हेरा फेरी ना कर सकें, कहीं ज़्यादा मार्क्स अपने बच्चों को ना दे दें। तो इसीलिए स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो अपने रेफरेंस ईयर, मतलब जो एक एक, एक एक साल उनके लिए निश्चित किया गया, उस साल तक में मतलब जो बच्चे मार्क्स ला रहे थे, ठीक है, तो उतने ही मार्क्स में या तो +5 हो सकता है, +-5 हो सकता है, मतलब 2-4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। आपको मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी स्कूल का, मान लीजिए क्लास 10th का रिजल्ट जो है वो, मान लेते हैं साइंस सब्जेक्ट का, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लेते हैं 2 साल पहले का जो मार्क्स रहा था, रेफरेंस ईयर है, मान लेते हैं ये 2021 है, तो मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 2019 में एक सर्टेन स्कूल का रेफरेंस ईयर 2019 माना गया, और 2019 में उस समय के जो स्टूडेंट्स थे उनका रिजल्ट मान लेते हैं साइंस में आया था आउट ऑफ 100, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, आया जो भी 75 आया,
तो सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक, अभी के नियम के मुताबिक 70 आया या 75 आया था 2019 में, तो 2, 4+5- मार्क्स ही स्कूल्स अपने स्टूडेंट को दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। अब यहां पे जो याचिका डाली गई है, इसमें जो एडवोकेट है खगेश झा, मिस्टर खगेश झा, उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई है और कोर्ट के सामने में अपना बात रखा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है और इस पे आपत्ति जताते हुए ये कहा है कि मेरे सीनियर के मार्क्स पर, जो 2019 में जो बच्चे पढ़ते थे उनके मार्क्स के आधार पर मेरा मार्क्स कैसे डिपेंड हो सकता है, मेरा मार्क्स कैसे डिसाइड किया जा सकता है, ये गलत क्राइटेरिया है। इस पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। अब अगर इसको एक ढंग से सोचा जाए तो शायद ये लॉजिकल सही भी लगता है कि 2019 में मान लेते हैं या 2020 जिस स्कूल का रेफरेंस ईयर है, रेफरेंस ईयर स्कूल हर स्कूल का अलग अलग हो सकता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी स्कूल का रेफरेंस ईयर 2018 है, तो 2018 में अगर मान लेते हैं कि उस समय के बच्चे का मार्क्स कम आया था, तो इस साल 2021 में जो बच्चों का रिजल्ट निकलने वाला है उनका भी मार्क्स कम कर दिया जाए क्योंकि 2018 में कम था, ये लॉजिकल थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है और इसी वजह से ये पेटिशन है और आज इसके हियरिंग है। अब रिजल्ट क्या देर से आएंगे या दिल्ली हाई कोर्ट क्या जजमेंट देगा ये देखना होगा और हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट हर चीज़ के देते रहेंगे। लेकिन मुद्दा वही है कि रिजल्ट किस तरह से आए, कोशिश ये होनी चाहिए सीबीएसई की या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कि किसी भी हालत में स्टूडेंट्स को तकलीफ ना हो। मेरा बार बार कहना है हमारे अपने चैनल के एंड से कि स्टूडेंट्स को तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, उनको कैसे भी करके प्रोटेक्ट किया जाए। अभी कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर गुजरात वाले बच्चे, कर्नाटक वाले बच्चे, जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट्स और बहुत सारे जगहों से स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जहां तक हो सके, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स को भी। मेरा तो ये कहना था कि इस बार जैसे यूनिक मार्किंग स्कीम बनाया गया, हर स्टेट बोर्ड ने अपना यूनिक मार्किंग स्कीम को अडॉप्ट किया है, तो उसी तरह से कुछ यूनिक चीज़ करते हुए कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वाले स्टूडेंट्स को भी रिलीफ देने की कोशिश की जानी चाहिए थी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन गाइज, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सबसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ना सिर्फ सीबीएसई का बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स का भी आपको हमसे, हमारे साथ में जुड़ना चाहिए। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ख्याल से शायद आप गलती पर हो, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एंड यस, वन मोर थिंग, हमारे चैनल फॉर स्टडीज, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज ये दो चैनल आपके लिए दिन रात खड़े हुए हैं, हमारे टीम मेंबर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो प्लीज गो फॉर दैट। एंड यस, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, सर वी आर यूनाइटेड, वी आर टुगेदर एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू, लिखना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ में, जय हिंद, जय भारत।